पोटल लो बहुत सारा रेसिपी ट्राई करथिबे किंतु एही रेसिपी टी आपण केबे ट्राई करनथिबे इटा मोर गारंटी बहुत ही टेस्टी रेसिपी बहुत यूनिक रेसिपी जदि किछ अलगा बनय पे चाहौचंती सेई सेम परिवारो तो एही रेसिपी टी को पक्का थरे ट्राई करंतु समस्त को बहुत पसंद आसीबो रेसिपी टी को फास्ट टू लास्ट तक देखंतु आ जदि भल लागछे लाइक शेयर कमेंट कर दियंतु आ जदि मो चैनल नुवा छंती सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करनियंतु ऑल सिलेक्ट करके मो चैनल को सब्सक्राइब काटिकी रखी पोटल 200 ग्राम पाखापाखी हम मो पोटल नहीं क्वांटिटी में कम बेसी करें चोपा को भल भाव छड़े पाने बुड़े रखी नहीं दुईपट सैड काटी एबि दुईटा आलु मुझे मीडियम साइज रलु नहीं चोपा छड़े भल भाव धोईकी पाने बुड़े रखी आलु को फास्ट आम ग्रेड कर ना मुझे परिमाण में पोटल आपन को देखली से अनुसार मुझे आलु नहीं पोटल परिमाण अधिका कर आलुर परिमाण हालका अधिका करें आलु को एमती पा भितर ही रही पी दबा ना कला पड़ा आलुर रस आने को आम पर यूज कर ना एबि मुझे गोटे ब्लेंडिंग जार नहीं काटिक रखी पोटल को पकईदे ये मुझे ग्राइंड करने ब्लेंडिंग जार नौ आप जगह चाहिए ग्रेटर नहीं पारे गोटे गोटे पोटल को ग्रेड करने बहुत समय लगे तो से इजी प्रोसेस ब्लेंडिंग जारे एक हालाका जस्ट गोटे रु दुई थर पर बुले नेबी आ पोटल देखो हालका खदड़ा होगी ब्लेंड होगी बाहरी आस बहुत ही जल्दी बाहरी गला आ बेसी कष्ट करने पड़ानी आपड़ आपंकर इच्छा अनुसार जमी भी हेल्ले पोटल को छोट छोट करें काटिपारे ना हेमदस्ता साकपारे कि एमती ही रखिए बेसी प्लेन करें हालाका खदड़ा रखिले यार टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगी था एबे एक गोटे जार को बाहर करने पोटल जदि कौन भी गोटे पोटल टिके हालका बड़ रही जाइए ताको हाथ में भल भाव टिके चकटी ना जहाँ कि यहाँ दुई रु तीन खंड हो सब पोटल सहित तो मिक्स होदि भी गोटे बड़ पोटल रोचे मिक्स कर नि हाथ साजे ना यहाँ भल भाव सीझे एवं आम ग्रेड करके रखी आलु को एद आलु देला बेले बिलकुल भी पा आम यूज करानी यार पा को आम बचे रखा पर जेकोसी तरकारी आप घर बनाऊँच से पा को देपारे कि बिल्कुल भी पानी यूज करें गोटे छोट साइज प्याज मुझे नहीं सहित छोट दुई चामच अदा और रसुण पेस्ट दे पारे ना छेचिकारे ना मुझे ग्रेड करमती टेस्ट बहुत ही बढ़िया आसो स्वाद अनुसार आम लुण देदे आमती स्वाद अनुसार अल्प किसी हलदी मुझे नौ आपड़ी चाहिए ये जगह हलदी सहित लंका गुंडपारे कि कंचा लंका यूज करी कंचा लंकार टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगे और तार स्मेल बहुत ही भल आसो एबरे धनिया पत्र पकईदे आ गोटे रु दुई चामच जी आप राग खाइबा चाहते से अनुसार कंचा लंका पकईदे कंचा लंकार फ्लेवर सब रेसीपी बहुत ही बढ़िया आसे जदि आप राग खाऊन तो ये रेसीपी निहाती कंचा लंका यूज करूँ गोटे रु दुई चामच चाउल गुंड आम ये पकईवा चाउल गुंड यूज कले रेसीपी टेस्टा बहुत ही भल आस सहित गोटे क्रिस्पिनेस आसो जोटा आप खाला बेले निहाती भाव में जापरेंगे सहित बाइंडिंग गोटे रु दुई चामच बेसन यूज करवा सबको एवं भल भाव मिक्स कर ना बेसन मुझे बहुत कम यूज करें चाउल गुंड जैक यूज करें अनुसार बेसन यूज करें आड करेंगे जब लगे बेसन हालाका कम हो मैंने बाइंडिंग धरूनी तो आउ टे गोटे रु दुई चामच भाया बेसन एपरेंगे एबे को भल भाव मिक्स कर नौ मिक्स कला गोटे बनई कि देखिए जदि बाइंडिंग ठीक ताले आउ बेसन मसईवा दरकार नहीं पूरा परफेक्ट बनई कि रेडी हो भल भाव हाथ रूम खसी जाऊँ तो आउ मो बेसन बिल्कुल भी मिसेबी एबे ये गोटे तावा गरम हुआ बसई थी से आम सोरस तेल यूज करवा यही रेसीपी सोरस तेल मुझे यूज करें कहीं सोरस तेल फ्लेवरटा बहुत ही बढ़िया आसता है गोटे गोटे बरा आकार करड कर चलिए आपत चाहिए एक छाणी पारे कि हेल्दी वे जिते संभव कम तेल आम अल्प टाइम पे भाजी ने बहुत ही बढ़िया टेस्टी मध्य लगे और देहपे हेल्दी बनब गोटे गोटे करके सब गुड़ाक एमती आड करदेवि एक सीझे टी समय दरकार तो एक कभर करदे आ दुई रु तीन मिनिट पर एक एमती ही छाड़दे गोटे सैड आम हालाका टाण हो तो एक ओल्टई ना ओल्टेला बेले जदि आपको लगुच गोटे सैड टाण होनी तो एक बिलकुल भी तरबर्ण हो न ओल्टई कि टाइम छाड़ दिंतु कहीं ये बहुत ही नरम जदि आप बेस तरबर होल्टई नौ तो भांगी जापे मोर ए दुईपट जाक बढ़िया भाव में कुक होगला आ बढ़िया क्रिस्पिनेस आसगला एक तावर बाहर कर गरम गरम भात सहित परसिबे बहुत ही टेस्ट लगे आशा करे आपको ये रेसीपी पसंद आसपी पसंद आसे तो लाइक टे निश्चय करेंगे धन्यवाद।